जब मध्य प्रदेश की होती है तो क्या तस्वीर सामने आती है। एक ऐसा प्रदेश जिसने तेजी से विकास के आसमान को छुआ है, एक ऐसा प्रदेश जहां वाकई बदलाव हुए हैं। पहले मध्य प्रदेश को एक बीमारू राज्य माना जाता था। शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, रोजगार सभी क्षेत्रों में मध्य प्रदेश पिछड़ा हुआ था और यहाँ बुनियादी आवश्यकताएं जैसे कि सड़क, बिजली, पानी, ये भी यहाँ के रहने वालों के लिए किसी सपने से कम नहीं थे। लेकिन फिर मध्य प्रदेश की तस्वीर बदली और आज प्रदेश का नाम विकासशील प्रदेशों में शामिल है। आइए हम आपको दिखाते हैं मध्य प्रदेश की वो तस्वीर। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश का इतिहास बन चुकी है। दो दशक पहले का मध्य प्रदेश अब बिल्कुल बदल गया है। एक बीमारू राज्य से विकासशील राज्य की यह गाथा लगातार जारी है। एक समय था जब प्रदेश में बिजली, सड़क, पानी और शिक्षा के लिए भी जनता तरसती थी। बेहाल जनता अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए भी मोहताज थी। कहने को तो मध्य प्रदेश देश का दिल, लेकिन इस दिल में उस दौर में बुनियादी सुविधाओं की भी बेहाली की बीमारी ने इस दिल को धड़कने से रोक रखा था। फिर एक दौर ऐसा आया जब न सिर्फ सत्ता बदली बल्कि मध्य प्रदेश के थमे हुए विकास ने धीरे धीरे रफ्तार पकड़ना शुरू कर दिया। मध्य प्रदेश में न सिर्फ बुनियादी सुविधाओं की कमी थी बल्कि यहाँ डकैत, नक्सलवाद और सिमी जैसी समस्याएं भी आम थी। इस बात की गवाही आंकड़े खुद देते हैं। आंकड़े बताते हैं कि 2003 से पहले यहाँ सिर्फ 60,000 किलोमीटर तक सड़कें थी। खाद्य उत्पादन भी 159,00,000 मैट्रिक टन था। प्रति व्यक्ति आय की अगर बात की जाए तो मात्र 12,000 हुआ करती थी। मध्य प्रदेश की सरकार ने इस स्थिति को बदलने के लिए कड़ी मेहनत की। तभी तो एक बल्ब की रोशनी को तरसता प्रदेश आज दिल्ली की मेट्रो को पावर दे रहा है। प्रदेश सरकार ने प्रदेश की बीमारी को खत्म करने के लिए सबसे पहले इसकी जड़ को ढूंढा। मध्य प्रदेश में साक्षरता को बढ़ावा दिया गया, साथ ही क्राइम को कम करने के लिए काम किया गया। पहले तो बीहड़ से डकैतों को खत्म किया और फिर नक्सलवाद पर प्रहार किया गया। सिमी की कमर भी तोड़कर रख दी गई। विकास यात्रा की शुरुआत में धीरे धीरे प्रदेश में सड़कों का जाल बिछाया गया। अब मध्य प्रदेश में 5,00,000 किलोमीटर से अधिक की सड़कें हैं। शिक्षा के लिए लोगों को न सिर्फ जागरूक किया गया बल्कि आर्थिक रूप से भी उनकी सहायता की गई। सरकार ने लाडली लक्ष्मी हो या कन्यादान जैसी योजनाएं चलाकर प्रदेश में भ्रूण हत्या पर रोक लगाने में भी सफलता हासिल की। मध्य प्रदेश जिसकी अर्थव्यवस्था 71,000 करोड़ की थी अब 14,00,000 करोड़ से अधिक है। खाद्य उत्पादन बढ़कर 629,00,000 मैट्रिक टन हुआ है। मध्य प्रदेश में किसान भी कृषि के लिए बारिश पर अब निर्भर नहीं है। केंद्र सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन कर मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश की दशा और दिशा में परिवर्तन किए। अंत्योदय, उज्ज्वला, पीएम आवास सभी योजनाओं ने प्रदेश के स्तर को बढ़ाया ही है। भारत के विकास में बाधा कहलाने वाले मध्य प्रदेश ने 2003 के बाद से ऐसा विकास किया कि आज प्रदेश विकसित और आत्मनिर्भर बनने की रेस में तेजी से दौड़ रहा है। मध्य प्रदेश बीमारू से अब बेमिसाल विकास का राज्य बन चुका है। मध्य प्रदेश सरकार का लक्ष्य है 2030 तक इसे संपूर्ण विकसित और आत्मनिर्भर राज्य बनाने का। बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, कानून जैसी सभी व्यवस्थाओं में सुधार साफ नजर आने लगा है। मध्य प्रदेश में ये अब विकास का दौर अब भी जारी है। किसी भी प्रदेश की तस्वीर यूं ही नहीं बदल जाती। इसके पीछे शासन और प्रशासन की कड़ी मेहनत और प्रयास होते हैं। अब ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार ने 20 सालों में अपने विजन से प्रदेश को एक नई पहचान दी है और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इस बात को खुलकर कहा कि एमपी अजब है, गजब है और सजग भी है। वीके न्यूज, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल बोलेगा, देश सुनेगा।